परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार अपने चयन के लिए राह दिख रहे हैं और अब कई जगहों पर आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नागपुर के संविधान चौक में भी आंदोलन किया गया। एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों का 2018 में अर्धसैनिक बलों एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एएसएसएएम, आरआईएफ, एलईएस में सिपाही भर्ती के लिए रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें राइटिंग एग्जाम फरवरी 2019, फिजिकल अगस्त 2019, मेडिकल 2020 में कराया गया। सभी परीक्षा इनके द्वारा पास करने के बावजूद भी इन्हें नियुक्त पत्र नहीं दिया गया है। पहले कोरोना की वजह से नियुक्तियां रोकी गई, जिसके विरोध में पिछले 11 महीने से परीक्षार्थी दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग भी किया गया। इस लंबी चली भर्ती प्रक्रिया में अब ये उम्मीदवार ओवरएज हो चुके हैं। सरकार ने 60,290 पदों पर रिक्तियां निकाली थी, उनमें से 15,000 से 20,000 पद रिक्त हैं और साथ ही चयन परीक्षा पास करने के बाद भी उस रिक्तियों में इन उम्मीदवारों का चयन सरकार द्वारा नहीं किया गया। अब इसके विरोध में नागपुर के संविधान चौक में भी आंदोलन चल रहा है। आम्ही एसएससी जीडी 2018 परीक्षा दिलेली आहे, त्याच्याबद्दलही आम्ही आंदोलन इथे उभं केलेलं आहे, कारण आम्हाला अजून जॉईनिंग भेटलेली नाही आहे। त्याच्यामुळे मी पेपर दिलेलं आहे, फिजिकल दिलेलं आहे, मेडिकल दिलेलं आहे, तरी पण आम्हाला केंद्र सरकारने अजून जॉईनिंग दिलेली नाही आहे। तर आम्हाला मेरिटमधून बाहेर केलं गेलेलं आहे असं सांगितलेलं आहे, पण जागा अजून खाली आहेत। त्यांनी निम्मी जागा भरून घेतलेल्या आहेत, निम्मी जागा तशाच सोडलेल्या आहेत। ज्या ज्या जागा सोडलेल्या आहेत तिथे त्यांनी आम्हाला आमची नियुक्ती द्यावी। आणि असं पण आहे की आम्ही सर्वजण आता एज बार झालेलो आहे, त्याच्यामुळे आम्ही कुठलीही परीक्षा देऊ शकत नाही। हे आंदोलन तरी 6-7 दिवसापासून चालू आहे। याच्या आधी आम्ही दिल्लीमध्ये प्रोटेस्ट केलं होतं, जंतर मंतरला तरी 1 वर्षापर्यंत आंदोलन केलं होतं। आता दिल्लीमध्ये आंदोलन करून आमची तिथं कोणी दखल घेतलेली नाही, त्याच्यासाठी आम्ही आता इथं नागपूरमध्ये आलेलो आहोत की आमची दखल नितीन गडकरी साहेबांनी घ्यावी आणि तात्काळ त्यांनी आम्हाला जॉईनिंग द्यावी। हां, त्या सरांसोबत पण मीटिंग झालेली आहे। पिछले एक साल से हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, मगर वहाँ से हमको कुछ न्याय नहीं मिला, इसलिए हम अपनी भूमि महाराष्ट्र नागपुर से आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। 2018 में सेंट्रल पुलिस की भर्ती निकली थी, उसमें हमने मेडिकल, रिटर्न, फिजिकल सब पास कर चुके हैं और हम सब क्वालिफाइड हो चुके। बाद में इन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नॉर्मलाइजेशन का जो नया सिस्टम लागू किया है, उस वजह से हमको मेरिट, हमारा मार्क घटा के मेरिट से बाहर निकाल दिया है और हमको फेल कर दिया है। और महाराष्ट्र में 290 जगह अभी भी खाली है, फिर भी हमको नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ बाकी राज्यों के भी लड़के आ रहे हैं। हमारा आंदोलन 17 तारीख से है, आज का छठवां दिन है। हमारी मांग है, हमको नियुक्ति चाहिए।